न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। सरकार पर निशाना साधते हुए आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि कुछ संवेदनहीन ताकतें संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को चुनौतियां दे रही है। हम सबको मिलकर उन ताकतों का सामना करना होगा। तंवर आज रेवाड़ी के गांव लिसान में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने निगम चुनाव पर अपनी पार्टी के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमारे ही कुछ नेताओं की भिन्नता के कारण पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ सकी। अगर सिंबल पर चुनाव लड़ती तो सभी जगह हम जीत दर्ज कराते। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ही जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के राज में पूरा प्रदेश जला, महिलाओं की इज्जत गई, इसके लिए सिर्फ मौजूदा सरकार जिम्मेवार है। 84 के सिख दंगों के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा कि देर से ही सही न्याय तो मिला। कोर्ट के फैसले देरी से आने के कारण समय पर लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। राफेल मामले पर सरकार पर हमला करते हुए कहा कि झूठों के सरदार ने झूठों की फौज खड़ी कर दी है, लेकिन कांग्रेस जल्द ही इस झूठ से पर्दा उठा देगी। ये सारी फौज हिटलर की तरह देश में काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम पर भी तंज कसते हुए कहा कि वह देवभूमि पर भी झूठ बोलकर मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं। वहीं दूसरी ओर मोदी अंबानी और अडानी को बचाने में लगे हुए हैं। राहुल ने कब गलत कहा कि देश का चौकीदार चोर है? वास्तव में देश का चौकीदार चोर है और इसे जल्द ही साबित करके रहेगी कांग्रेस। सज्जन सिंह की तरह मोदी के पीछे भी कुछ ऐसे लोगों की लाइन है। अब जल्द ही कांग्रेस की सरकार आने पर उन्हें लाइनों से बाहर निकालकर जेल भेजने का काम करेगी कांग्रेस। सीएम की दौड़ में शामिल होने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि हाईकमान और प्रदेश की जनता जो फैसला लेगी वह अच्छा ही होगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण यहाँ पर किया। सभी साथी सामाजिक जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, सभी ग्रामवासियों ने मिलकर के श्रमदान करके ये भव्य मूर्ति यहाँ पर स्थापित की है। और मैं समझता हूँ कि आज बाबा साहब इस देश की आत्मा में संविधान के रूप में गांव-गांव में जन जन के बीच में विद्यमान है। पूरे देश में कोई गांव ऐसा कोई कस्बा नहीं होगा जहाँ बाबा साहब नहीं होंगे, उनकी सोच नहीं होगी। लेकिन आज बहुत सी ताकतें हैं जो उनकी सोच पर, उनके लिखे हुए संविधान पर, और जो कांग्रेस ने 70 साल में इस मुल्क के लिए किया उसको बार बार चुनौती देने का काम कर रही है। आप मिलकर के हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी है। जो उनका दिखाया हुआ रास्ता है, शिक्षित होकर के, संगठित होकर के संघर्ष करने का, उस पर और मजबूती से चलना होगा। निश्चित तौर पर जो संवेदनहीन ताकतें हैं वो आने वाले समय में समझ में आ गया। हमने तो कहा कि झूठों के सरदार ने झूठों की फौज उतारी है, अब आने वाले समय में भाजपा की सफाई है और सफाई की बारी है। तो कौन क्या कर रहा है ये तो सबको पता है कि किसी को उतार ले अब कुछ होने वाला नहीं है। लोगों को समझ में आ गया है। राहुल जी जो कहते हैं कि जो अपने आप को चौकीदार कहता था वही असलियत में चोर है। यहाँ तो पकड़ा गया है, कई जगह पकड़ा नहीं गया है। जो बैंकों के एनपीए के घोटाले हुए, बाहर लोग भाग करके गए, उनको तो पकड़ के ला नहीं सके। तो इसलिए अलग अलग मुद्दे के ऊपर मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी संसद का सत्र भी है और आने वाले समय में हरियाणा की सड़कों के ऊपर भी भाजपा और उनकी सहयोगी इन लोगों को घेर रहे हैं। पीछे भी बहुत लोग लाइन में हैं, कौन कौन है वो तो सबको पता है। तो लाइनों में जो है जल्दी समय आएगा, लाइनों वाले लाइन से बाहर आएंगे और जेल में जाएंगे। वित्त मंत्री ने, जेटली जी ने उनको भगाने का काम किया। गडकरी जी कह रहे हैं कि वो चोर नहीं है। चोर नहीं है तो क्या है, वो देश का पैसा लेकर के 9-10 हजार करोड़ भाग जाए। 5.5 लाख करोड़ रुपया जो एनपीए हो गया है उसको केंद्र की सरकार माफ कर दे। किसानों का 1 रुपया आज तक मोदी सरकार ने माफ नहीं किया। तो चोर को अगर चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो देवता पूजनीय उनका बटे वो उनका होगा। कांग्रेस का इस देश का कुछ नहीं लगता, हर जेल में जाएगा। देखिए हम तो मजदूर हैं और कांग्रेस के लिए, इस प्रदेश के लिए, जनता के लिए जिसको भी जरूरत है उसके लिए हमने पिछले 4.5 साल संघर्ष किया, मेहनत की, साइकिल पर चले, पैदल चले। प्रदेश में जब जब अत्याचार हुआ किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर, छोटे व्यापारी के ऊपर, कर्मचारी के ऊपर, माताओं बहनों के ऊपर, सबसे आगे कांग्रेस रही है। तो इन 3 राज्यों के
जो चुनाव पक्ष में आए हैं कांग्रेस पार्टी के, देश के अंदर 5-0 हो गया, सेमीफाइनल के अंदर भारतीय जनता पार्टी 0 स्टेट हासिल हुआ है, तो ये संकेत इस बात का है कि आने वाली सरकार प्रदेश में होगी, ये भावना है। मैं तो सभी साथियों को ये कहूंगा कि अपनी सरकार बनवाए और फिर प्रदेश की जनता पे हाईकमान के ऊपर छोड़ दें। आज तक हाईकमान ने आशीर्वाद दिया है और जो आगे आशीर्वाद देगी बढ़िया तरीके से काम करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा के अंदर बहुत संभावनाएं हैं हर तरीके से सबसे अग्रम पंक्ति का प्रदेश बनने के लिए, और वो हरियाणा मॉडल हम राहुल जी के नेतृत्व में अगले 5 साल में बनाएंगे, जो शिक्षा में श्रेष्ठ होगा, जो स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर देगा, अनिल विज की तरह जुमले नहीं छोड़ेगा, जो रोजगार देने की बजाय रोजगार घटा देगा अपनी खुद की कमियों की वजह से। आज जब पूरे दुनिया में तरक्की हुई थी हमारे अर्थव्यवस्थाओं की, तो नोटबंदी की वजह से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पीछे की तरफ आ, तो डबल मार उसके ऊपर पड़ी। एक तो जब पूरी दुनिया तरक्की कर रही थी उसकी वहां कमी आई, दूसरा नोटबंदी की मार, उसके बाद गलत तरीके से GST लागू कर दी, और प्रदेश भी इसी तरीके से है आज भ्रष्टाचार की, और मैं समझता हूं कि जो समाज को बांटने वाले हैं उनकी भेंट चढ़ा हुआ है। आओ मिलकर के ऐसी सरकार को उखाड़ें और प्रदेश के अंदर गरीब किसान मजदूर का राज स्थापित करें, जिसमें जंगल राज की बजाय कानून का राज हो, संविधान के हिसाब से वो देश और प्रदेश चले, तो सब लोग मिलकर के काम करें, बाकी सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। तो अब झूठों के सरदार ने झूठों की टीम उतारी है, झूठों के सरदार ने झूठों की टीम उतारी है, अब 2019 आने वाला है, अब जनता की बारी, अब तो जनता की अदालत में फैसला है। हम सारे देख रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे वहां भी हल्फनामा क्या उन्होंने दायर किया कि ये CAG की रिपोर्ट, PAC की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, लेख लोखा जो समिति होती है, मैं भी उसका सदस्य रहा हूं, कि उसमें हमने दे दी, बाद में कह रहे कि हमने नहीं दी, तो किस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए, जो उसमें मुद्दे थे कि एक एक रफेल की कीमत 500 करोड़ का, जो 576 करोड़ का था, वो 1700 करोड़ में कैसे पहुंच गया, उसका कोई जवाब नहीं आया। इस बात का जवाब नहीं आया कि उनकी संख्या क्यों घटी, इस बात का जवाब अभी तक नहीं आया कि HAL से वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के क्यों अनिल अंबानी की कंपनी को वो दे दिया गया। तमाम सवाल हैं जो आज भी बने हुए हैं, लेकिन केवल झूठ का प्रचार, ये हिटलर के चेले हैं और झूठ के प्रचार में आज इन्होंने बताया गया है। मैं तो अभी देख भी रहा था सोशल मीडिया पर कि रोहतक में भी झूठ बोलने के लिए देवभूमि से हिमाचल के जो मुख्यमंत्री है, नाम जयराम और कहते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी, तो झूठ बोलने के लिए यहाँ पर जयराम को भेजा है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि झूठ का प्रचार हो रहा है, और ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। लोग इस चीज को समझते हैं कि ये भ्रष्ट सरकार है, संवेदनहीन सरकार है, इन्होंने हरियाणा से लेकर के देश को बार बार जलाने का, विभाजित करने का, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया, और राहुल जी के नेतृत्व में अगली सरकार आएगी तो इन तमाम चीजों की जांच होगी। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की JPC की मांग करी थी, वो JPC भी इन्होंने वो नहीं, तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं मोदी जी अनिल अंबानी को बचाने की ये पूरी एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, NDA सरकार की चल रही है, जिसको जनता जब उठेगी जागेगी 2019 में सबक सिखाने का काम। वैसे तो कांग्रेस पार्टी सिंबल पे चुनाव, क्योंकि कुछ हमारे नेताओं की इसमें भिन्नता थी, अगर सिंबल पे चुनाव होता तो मैं समझता हूँ कि पांचों के पांचों नगर निगम और दोनों के दोनों नगर पालिकाएं वो कांग्रेस के सिंबल पे हम जीतते। अब क्योंकि ये चुनाव सिंबल पे तो नहीं है, लेकिन भाजपा जो सिंबल पे चुनाव लड़ रही है, और इनेलो यहाँ जहाँ भी होगी प्रदेश की जनता उनको साफ करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्या क्या करेंगे? देखिए, ये कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अगर देरी होती है न्याय में तो वो कहीं ना कहीं वो होता है। ये तो माननीय कोर्ट का फैसला है जो भी है उसमें, लेकिन साथ साथ जो और गुजरात के दंगे हुए, गोधरा के हमने देखे 2002 में, आज उसको भी 16 साल बीत गए। ऐसे ही हरियाणा अभी पिछले दिनों 4 बार जला, और भी हम मुल्क में देखते हैं, आज एनकाउंटर करने वाले जो स्पेशलिस्ट हैं वो भारतीय जनता के पार्टी के जो है वो उसके अध्यक्ष के तौर पर है,
तो आज ये तमाम चीजें हम ये भी देख रहे हैं कि कब उनको न्याय मिलेगा, कब हमारे बहन बेटियों के साथ जिनके साथ अन्याय अत्याचार होता है। तो निश्चित तौर पर आने वाला समय बहुत क्रूशियल है इस पूरी व्यवस्था के लिए। ये तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है न्यायपालिका का मामला है, और स्पीड से होने चाहिए। आज 3.5-4 करोड़ केस ऐसे हैं जो आज भी पेंडिंग है किसी न किसी कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो इसके अंदर और ज़्यादा तेजी आनी चाहिए ताकि समय पर लोगों को न्याय मिले। लोग जो दोषी हैं वो समय ऐसे ही बीत जाता है, कई बार वो ऊपर वाला तो उनको उठा लेता है लेकिन न्यायपालिका जो है वो उनको सजा नहीं दे पाती। ऐसे ही जिसके खिलाफ, जिस परिवार के खिलाफ कोई घटना घटती है उनको भी न्याय नहीं मिल पाता, वो भी नहीं देख पाते। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के अंदर तेजी लाने की आज